हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज मैं सुबह ही नहा लिया हूँ। रीज़न है कि आज बोकारो थर्मल जा रहा हूँ। मैं, मेरा पापा, आपकी भाभी, मेरा बेटा बेटी विद फैमिली जा रहे हैं सब कोई, और इसलिए मैं फ्रेश हो चुका हूँ। और थोड़ी देर में, अभी तो बज रही है 10:30 बज रही है, अब थोड़ी देर में अब निकलने वाला हूँ बोकारो थर्मल के लिए। चलिए फिर चलते हैं। मैं अपना कार लेके आ चुका हूँ और पापा लोग आएंगे फैमिली, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। गर्मी लग रहा है, पसीना हो गया। थोड़ी देर में अब निकलने वाले हैं। और गाड़ी रोक के पापा मेरे फल ले रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं पापा का। मेरी बेटी है, मेरा बेटा सो गया है अभी और पापा को गोदी में ही था। जब पापा दुकान गए तो मुझे बेटा को रखने दिए। फाइनली पापा फल खरीद के आ रहे हैं कार में, फिर यहाँ से चलेंगे बोकारो थर्मल के लिए। और बोकारो थर्मल के लिए हम लोग चले अब। आपका दोस्त, आपका भाई फिर पहुंच गया BTPS बोकारो पावर स्टेशन, जो दिख रही है BTPS का पावर स्टेशन। अब बोकारो थर्मल आया हूं अपने बहन के यहां विद फैमिली, और थोड़ा सा रुक के वीडियो बना रहा हूं। कहना अभी धूप है तो लोकेशन काफ़ी सुंदर दिखा। ये पूल है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा है क्योंकि जुम्मा का दिन है और जाके फिर वहाँ भी पढ़ना है। देख रहे हैं हाई डबर गाड़ी हो रहा है और यहाँ से फिर निकलते हैं। काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये कुनार नदी से पानी आती है, केला खाते हुए। तो फाइनली मैं बोकारो थर्मल पहुँच गया हूँ अभी जस्ट, और अभी बज रही है 12:15 क्योंकि जुम्मा का दिन है। जल्दी से जाना है, फिर शायद यहाँ 1:10 या 1:15 बजे जमात खड़ा होगा। तो अभी जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और फाइनली अपने भांजे के रूम में पहुँच गया हूँ। आज जैसे मेरा भांजा देखा पूरा खुश हो गया और मेरी बेटी के साथ पूरा खेलने लगा, मस्ती करने लगा। कौन है दादी? पास लो, कौन है बताओ। पता नहीं, पापा बोला छोटा मामा। ओप्पो पापा के देखो, ओप्पो दे दीजिए। हां तो बाजू ठीक है ना? और मेरा बेटा मुराद अपने दादू के साथ मस्ती कर रहा है, ठंडा पी रहा है। अपने दादू को फोर्स कर रहा है कि मुझे भी ठंडा दीजिए, लेकिन मेरे बाबू को सर्दी है इसलिए नहीं देना चाह रहा हूँ मैं। और ये आ गया दही बड़ा, हम लोग खाएंगे दही बड़ा अब। और दही बड़ा काफ़ी टेस्टी लगा क्योंकि ये घर का है, मेरी बहन बनाई थी। जब पता चला कि हम लोग आ रहे हैं तो दही बड़ा बनाई। और मेरा बेटा बहुत बदमाशी कर रहा है। और ये BTPS की मस्जिद है। हम और मेरा जीजा जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए। और मस्जिद काफ़ी सुंदर दिख रहा है, शहीद करके दोबारा बनाया गया है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और हम लोग चले दोनों भाई नमाज़ पढ़ने के लिए। और हम लोग नमाज़ पढ़ लिए हैं, नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं अब घर। और जैसे ही हम लोग नमाज़ पढ़ के आए, धुसका और मीठा मिला खाने को, और उसके बाद भेलपूड़ी मिला। नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए अपने जीजा का हार्डवेयर दुकान पे। अभी कुछ देर यहीं रहेंगे, उसके बाद 3-4 बजे फिर घर जाना है। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर घर गए, नाश्ता करने के बाद फिर आए हैं जीजा का दुकान। कान में है अभी, बैठेंगे कुछ देर, उसके बाद फिर घर जाएंगे। घर से नाश्ता करके आए थे, फिर भी भैया ले दिए केक,
गाइस मैं पहले बोकारो थर्मल पहुंचा अपने भांजे के यहाँ, पहले नाश्ता किया छोटा थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर गया नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के फिर नाश्ता किया, मिठा खाया। अब ये देखिए भैया ला के लेके आए हैं केक, अब यहाँ केक खाएंगे, उसके बाद अभी बज रही है 2:30 बजे से घर जाएंगे, वहाँ फिर खाना खाएंगे। और मेरा बेटा बेटी अभी घर में ही है, उन लोग तो बोल रहे थे बेटा मेरा रो रहा था, बेटी भी बोल रही थी पापा हम भी जाएंगे, बोले नहीं बेटा शाम को घुमाएंगे सबको ही, शाम को अच्छा मार्केट रखता है BTPS में, अभी यहीं है दुकान में। ये आपका आ गया पुलाव और मटन, बाबू भी खाएगा, खाएगा ना, पानी है। और सूफी भी रेडी हो चुकी है, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपने जीजा के जीजा घर, इसीलिए मैं पूरा फैमिली मतलब जा रहे हैं सब कोई, मेरा भांजा भी। और फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने जीजा के जीजा घर, और रोड से थोड़ा कच्चा रास्ता है इसलिए कार रोड के पास ही रखना पड़ा, और पैदल हम लोग जा रहे हैं। जैसे भैया को पता चला कि हम लोग आए हैं, कॉल करके बोले कि आप लोग आइए, इसलिए मैं मेरी अम्मी आपकी भाभी सब कोई हम सभी जा रहे हैं भैया घर। ये मेरे जीजा का जीजा घर है, हाँ मम्मी मेरा फैमिली सब आए हैं, बैठे हुए हैं यहीं पे, और मैं भी बैठा हूँ अभी यहीं, आया था थोड़ी देर पहले, शाम हो चुकी है, और पूरा फैमिली हम लोग आए हैं, यही बगल में ही है BTPS में ही है, मेरे बहन से घर से 2 किलोमीटर आ गया है, और 1 किलोमीटर आ गया है, तो आके अभी बैठे हैं यहीं पे। और मेरा बेटा बदमाशी कर रहा है, यहाँ भी इनको फुर्सत नहीं है बदमाशी करने में, बाबू हर जगह एक ही जैसा बदमाशी खाली देखो। और यहाँ पे सीलिंग का काम हो रहा है, अंडर वायरिंग का काम हो रहा, कल होगा छत ढलाई, ऐसे तो भैया बोले कि आपको कल रहना है यहाँ पे ढलाई में, लेकिन बोले भैया ठीक है कोशिश करेंगे, अगर रहेंगे तो आएंगे। और हम सब कोई छत पे हैं, हम मेरा बेटा मेरा भांजा और सूफी, भांजा बगल में बैठा हुआ है और सब कोई देख रहे हैं कैसा अंडर वायरिंग हो रही है, काम हो रहा है, बगल में भैया भी बैठे हुए हैं। आगे ऊपर आगे इधर होगी, इधर इधर मारो, खींच जाओ खींच जाओ खींच जाओ खींच जाओ, उधर उधर आओगे, हैं पीछे कौन है, इधर पीछे तुम मोहरम में मेरा भांजा फेक बंधाया था जगह होने का है ना बेटा, या हुसैन या हुसैन काफी शानदार है खूबसूरत। मेरा बेटा मुराद अभी चलना नहीं सीखा है, तो ऐसे ही ये चलता है हाथों घुटनों के बल पे, और जैसे मुझे देखा तो मेरे तरफ आने लगा फटाफट, आजा 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 हाँ इधर 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 आओ, फिर से खा रहे हैं बटाटा पूड़ी धुसका समोसा, मैं मेरे पापा मेरा बेटी मेरा भांजा हम सभी मिलके शाम का नाश्ता कर रहे हैं, अभी इतना टेस्टी लगा कि हम सभी मिलके सब ख़त्म कर दिए हैं। तो गाइस अभी हूँ बोकारो थर्मल में, सुबह आया नाश्ता किया फिर नमाज़ पढ़ने चला गया, नमाज़ पढ़ के आए फिर नाश्ता किए खाना खाए, मार्केट भी घूमे, हार्डवेयर दुकान जीजा के यहाँ भी बैठे, उसके बाद बगल में ही 1 किलोमीटर आ गया जीजा का जीजा घर बहन घर, वहाँ पे जैसे ही पता चला कि हम लोग आए हैं कॉल करके बुलाया कि आप लोग को आना ही होगा, यानी हाँ वहाँ गए नाश्ता किए, उसके बाद कल छत ढलाई है, भैया बोले कि आपको कल आना होगा शामिल होना होगा, हम बोले भैया अगर BTPS में रहें तो आएंगे, नहीं तो गारंटी नहीं देख सकते हैं, बाकी कोशिश करेंगे। उसके बाद घर आने के बाद फिर नाश्ता किए, आज दिन भर नाश्ता चला, इतना नाश्ता चला कि पेट भर गया, समोसा हो चाहे दूसरा हो,
बटाटा पूड़ी हो और दाल का जो पकोड़ा होता है वो पकोड़ा खाए, इतना खाए कि पेट भर गया है एकदम पूरा। अभी तो रात हो गई 7 बजे, अब जीजा बोल रहे कि चले मार्केट, हम लोग मार्केट जाके करेंगे क्या, ऑलरेडी इतना नाश्ता पानी कर चुके हैं तो बोल रहे चले ना घूम के आते हैं। हालांकि आज रहने का प्रोग्राम नहीं था, हम लोगों को प्रोग्राम था कि शाम तक निकल जाना है, लेकिन वहाँ ना जीजा इतना जिद किए कि फाइनली आज हम लोग रह रहे हैं, कल जाएंगे घर। तो फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट।